आदिवासी दिवस पूरे विश्व में आदिवासी समाज के लोग अपने अपने स्तर पर मना रहे हैं। वहीं आज सोमवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग मुख्यालय में गोंडवाना के अमर शहीद वीर नारायण सिंह चौक पर भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते समाज के लोगों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शांति रैली निकाली गई। कार्यक्रम स्थल विश्राम गृह देवभोग के में ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी कॉलेज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर धन सिंह मरकाम, भानु प्रताप सोरी, बीएस सिराद, कन्हैया मांझी, देववंती मरकाम, सरिता मरकाम समेत कई लोग मौजूद रहे। गरियाबंद से संवाददाता आदित्य बेहरा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम गरियाबंद जिले के देवभोग में हैं और आज यहां जो आदिवासी समाज के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के गाइडलाइंस के अनुसार सामाजिक दूरी बनाते हुए यहां विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो आज यहां जो समाज के लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सिमरन मांझी। तो आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी? आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और वर्तमान में सरकार का जो फैसला है कोविड-19 के तहत, तो हम उसको देखते हुए जो है देवभोग ब्लॉक के लगभग 4 जगह में जो है विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो आज जो है देवभोग मुख्यालय में हमारा जो आयोजन है, सर्वप्रथम शांति रैली विश्राम गृह देवभोग से लेकर हम वहाँ पहुँचेंगे शहीद वीर नारायण सिंह चौक पर, और उन्हें हमारे आदिवासी शहीद सभी को जो है वहाँ पे उनका शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात जो है शांति रैली आगे सामुदायिक भवन बाबा साहेब के स्टेचू के समक्ष जाएंगे और उन्हें जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके पश्चात हमारे समाज के जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं उनको जो है सम्मान राशि एवं उन्हें जो है सम्मान प्रमाण पत्र से जो उनको सम्मानित किया जाएगा, ताकि जो है उनका हौसला बढ़े और आगे वो जो आगे बढ़े। आपका नाम? धन सिंह मरकाम। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके समाज के हित में कार्य कर रही है? छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारे समाज में हित में काम कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी लगा। आदिवासी जितने भी हमारे विश्व में आदिवासी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, सरकार के प्रति बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारे सर्वप्रथम हरियाली के त्यौहार को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और आज के दिन विश्व में आदिवासी दिवस के नाम से जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के विश्व के पूरे विश्व के आदिवासी हर्ष उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। और सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों का हाथ हथियार अस्त्र शस्त्र जो है उसको हम लोग सरकार के तथा दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग उसको पालन करते हुए अपने सिर्फ अपने समाज का एक उत्थान बढ़ाने के लिए हम लोग रैली निकालेंगे। तो यहाँ आज बिंद्राना विधानसभा के विधायक पुजारी डमरूधर पुजारी जी हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। पुजारी जी, आप हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने समाज के लिए सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और आपकी क्या मांग होगी? तो हमारे आज पहले विश्व आदिवासी दिवस के लिए पूरे विश्व आदिवासी दिवस को और मेरे सगा समाज को बहुत बहुत आज की विश्व आदिवासी दिवस को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। और समाज के लिए तो मैं उसके आगे जो भी हमारे समाज के लिए समस्या रहेगा उसको मैं हल करूँगा, और उसके साथ साथ समाज में जो भी कठिनाई है उसको मैं दूर करने के लिए तत्पर हूँ। और हमारा जो आदिवासी दिवस आज विश्व में मनाया जा रहा है और आज देवभोग मुख्यालय में हमारे इस आदिवासी अंचल के पूरे आदिवासी समाज आज मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ आज हमारे बच्चे लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं उसको भी सम्मान प्रस्तुति पत्र दिया जाएगा। आपका नाम? डगरेश्वर मांझी। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यह है कि विश्व आदिवासी जो सम्मेलन हुई या सभा हुई उसके बाद देवभोग अंचल में हमारे इस देवभोग विकासखंड में जो मुख्यालय में आज रेस्ट हाउस में जो अति सुंदर के साथ हमारे जितने भी आदिवासी भाई एकत्र हुए, इनमें से काफ़ी हम उत्सुक हैं, और आगामी समय में भविष्य में भी हमारे आदिवासी भाइयों द्वारा यह जागृत होगा कि विश्व में जो आदिवासी सम्मेलन होता था, आदिवासी समाज भाई होता था, मीटिंग बैठते थे, सभा होती थी, वो सभा आज हकीकत में हमें देखना पड़ा और हमको देखने में मिला, और हम अति खुशी हैं इसके बारे में कि जो विश्व आदिवासी सम्मेलन सभा आज भी हमें देखने को मिला, आज साथ में बैठे। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जल जंगल और जमीन के संरक्षक के रूप में आदिवासियों की पहचान रही है। निश्चित ही आदिवासी संस्कृति, परंपरा और धरोहरों को
बचाने के संरक्षक करने के प्रयास में हमेशा कार्यरत हैं। कैमरा पर्सन दीपक वैष्णव के साथ मैं हूं आदित्य बेहरा, समाचार एक्सप्रेस गरियाबंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।